Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. In today's tutorial, basically, we'll be talking about JSON, JavaScript object notation. Now, JavaScript object notation is basically a wonderful way of encoding data in a simple string where you can transfer the data between server and the user systems. It is not an encryption technique. By encoding, we mean that it takes the data and it saves it in form of key and value. तो इस पूरे कोर्स के अंदर बेसिकली हम इस जेसन के बारे में पढ़ेंगे यूजिंग द नोट्स फ्रॉम W3 स्कूल्स। तो इस W3 स्कूल्स की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली हम जेसन को पढ़ेंगे और इस W3 वेबसाइट स्कूल्स की वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें जेसन मिलता है। इसके अंदर जेसन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं तो हम इनको लाइन बाय लाइन बेसिक चीजें जो है कॉन्सेप्ट्स को यहां से कवर करेंगे। सो इन दिस वे यू विल हैव अ नोट्स एंड नोटिफिकेशन। तो अगर आपको कोई नोट्स पढ़ने हैं तो ये बड़ी आसानी से जावास जेसन के नोट्स यहाँ पे पड़े हैं और इसी को मैं रेफर करते हुए पूरा ये कोर्स को जेसन को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये नोट्स क्या है, क्या एक्सप्लेन करते हैं और जो इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन दम वेरी इजिली एंड वेरी क्विकली फॉर यू। ठीक है, सो होपफुली दिस विल बी वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसमें आपको जेसन का पूरा कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो मेरे चैनल को उस पर जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP, जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं। तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारामद रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स बिगिन। नाउ व्हाट इज इटसेल्फ जेसन? JSON stands for JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation का मतलब ये कि ये JavaScript के जो ऑब्जेक्ट फॉर्म्स हैं, अगर आपने JavaScript पढ़ी भी है और JavaScript के ऑब्जेक्ट के बारे में पता है तो एक्सीलेंट, नहीं पता तो मेरा ट्यूटोरियल है, मैं लिंक में डाल दूंगा, वरना इसका लिंक ऊपर कॉर्नर पे भी आपको नजर आ रहा होगा, यू कैन चेक दैट। इसके ऊपर JavaScript Notation और JavaScript Object के ऊपर हमने काफ़ी बात की थी ऑलरेडी। JavaScript Object बेसिकली मीन्स वो डेटा को ऑब्जेक्ट की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये उसी ही तर्स का एक डेटा टाइप है, हाउएवर इट कंसिडर्स एवरीथिंग एज अ जेसन स्ट्रिंग। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें टेक्निकल फर्क आया था। जेसन इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, वो हर चीज़ को बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर रहा होता है, नॉट इन डायरेक्ट टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल के तहत। ओके, इट्स अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग, इजी टू रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट तरह का डेटा टाइप है, वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा है। सो जेसन, इन अदर वर्ड सिंपली समझो कि यार जेसन जो है बेसिकली एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में आप कोई भी कुछ भी डेटा डाल सकते हो और उस डेटा को आप सर्वर से या डेटाबेस में से या यूजर के पीसी में से या एजेक्स के थ्रू कहीं भी डेटा को भेजना, रिसीव करना है, वो स्ट्रिंग आप भेज दो और उस स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है और उस चीजों को रखने का जो तरीका कार्य से वो हमें समझना है, उसको रीड करने का तरीका है वो समझना बस। ठीक है, तो रखने का जो तरीका है बेसिकली वो यूज करता है की एंड वैल्यू के प्रॉपर्टी के ऊपर। की एंड एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, मैं उसके ऊपर आगे भी बात करूंगा। तो हम की रखते हैं, उसके एलिमेंट रखते हैं, नेम या उसकी वैल्यू रख रहे थे कि यार ये नाम है उसका डेटा, ये नाम है ये डेटा, ये लेंथ कितनी भी हो सकती है, सीक्वेंस कितनी भी हो सकती है, किसी भी तर्क के ऊपर हम उसको सेव कर सकते हैं। तो ये चीज वो यहाँ पे कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास टिपिकली एक जेसन का एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ, हमने नेम रखा, ठीक, और उस नेम की वैल्यू दी कॉमा, फिर नेम रखा, ठीक, सेमी कॉलन दिया, सॉरी डबल कॉलन दिया और फिर उसकी वैल्यू आई, फिर ये नेम आ गया, फिर कॉलन आ गया और फिर हमारे पास उसकी वैल्यू आई। ये जेसन का एक टिपिकल एग्जाम्पल है, ये जेसन कहलाता है बस, और कुछ भी नहीं। जेसन सिर्फ इतना है, जेसन एक डेटा टाइप इनकोडिंग मैकेनिज्म है जिसके तहत आप डेटा को की और वैल्यू की सूरत में एक ही स्ट्रिंग के अंदर डाल के रख देते हो बस। इट्स एन एडवांस फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एन एडवांस फॉर्म ऑफ एरेज और एलिमेंट्स अगर हम पढ़े हुए हैं प्रीवियसली, तो ये उसका एक एडवांस फॉर्म है और बहुत सिंपल और बहुत सादा फॉर्म है जिसके तहत आजकल ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है डेटाबेस में से कुछ एंट्रीज, अगर ज्यादा एंट्रीज हैं एक वैल्यू के अगेंस्ट में तो हम उसको जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के रख देते हैं और उसको फिर हम एक साथ ही रीड कराते हैं तो पूरा का पूरा डेटा हमारे पास एक ही स्ट्रिंग की सूरत में रीड होकर आया था और फिर उसको हम पार्स करके उसके अंदर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अलग कर देते हैं। तो ये बहुत आसान, बहुत इजी तरीका हो जाता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके प्रोसेस करने का। ठीक है, और अगेन ये तकरीबन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, चाहे ESP हो चाहे PHP, उसके थ्रू आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं और बड़े आराम भी, इजी टू यूज है। ठीक है, तो इसके अंदर उसने क्या किया, उसने तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन की, नेम, एज एंड कार, और उन तीनों के अगेंस्ट में उसने वैल्यू यूज किया। तो अगर मुझे इनकी डेटा निकालनी है, नेम क्या था तो मैं नेम को रीड करूंगा तो नेम आ जाएगा मेरे पास, मुझे एज निकालनी है तो एज क्या है तो एज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, मुझे कार का नाम निकालना है तो मैं कार का नाम निकालूंगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी, सिंपल एज दैट। वो वैल्यू हम कैसे रीड करेंगे, हमने कह दिया फॉर एग्जांपल लेट पर्सन नेम इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इसको रिफर कर रहा है, डॉट नेम लगाया तो नेम से जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, ऑब्जेक्ट इस पूरे ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, डॉट एज, वो उसकी एज की जो भी वैल्यू होगी रिटर्न कर देगा।
ये बेसिक सिंपल जेसन का कॉन्सेप्ट आ गया। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट नोटेशन है। जेसन इज अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। लाइट वेट का मतलब ये कि बहुत लाइट वेट है, ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम नहीं लेता, ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता और बहुत इजीली इसका डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह सर्वर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इट्स अ लाइट वेट मोड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन वे टू अनदर। ठीक है, जेसन इज अ प्लेन टेक्स्ट, बेसिकली एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट है सिस्टम के अंदर, ये एक सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग है। ठीक है, सिस्टम के अंदर जब आप सेव करते हैं तो ये सिंपल स्ट्रिंग है, इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसको वैल्यू की का नहीं पता। ये हम जब पार्स करते हैं तब हम वैल्यू की का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई जेसन प्लेन रिटन टेक्स्ट है जो जावास्क्रिप्ट नोटेशन फॉर्म में रखा जाता है, ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्म के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट नोटेशन अगर आप पढ़ने जाओगे तो उसमें आपको लगेगा यार ये जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट नोटेशन है। उसी तर्ज पर उसमें ऑब्जेक्ट उसका प्रिंसिपल आता है, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट सूरत में वो डेटा रीड हो रहा होता है। ठीक है, जेसन इज यूज्ड टू सेंड डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स, एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड करने के लिए बड़े इफेक्टिव है क्योंकि बहुत लाइट वेट है, बहुत क्विकली होता है, बहुत सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में डेटा जा रहा है, टेक्स्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है, यू कैन वेरी इजिली पार्स एंड प्रोसेस इट। इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, किसी भी लैंग्वेज आप इसको इंडिपेंडेंट इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये इसका हमारे पास मेजर सबसे जबरदस्त बड़ा एडवांटेज आ जाता है। ठीक है, जेसन सिंटैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन, जैसे अभी मैंने कहा, बट जेसन फॉर्मेट इज टेक्स्ट ओनली, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये सिर्फ टेक्स्ट है, मेजर टेक्निकल फर्क आता है। जब आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में बिहेव करता है, इट हैज ऑब्जेक्ट, इट हैज मेथड्स, प्रिंसिपल्स, डेटा टाइप्स। ठीक, उसके एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट आता है। लिखने का तरीकाकार सेम है, लेकिन जब जेसन की बात करते हैं तो जेसन सिंपली टेक्स्ट फॉर्म में स्ट्रिंग आ जाता है जिसके तहत आप उस डेटा को सेव कर सकते हो। व्हाई वी यूज जेसन, जेसन फॉर्मेट इज सिंटैक्टिकली सिमिलर टू द कोड ऑफ क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट। जो सिंटैक्स है उसका वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के तरह का ही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन इजिली कन्वर्ट जेसन इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस वजह से जावास्क्रिप्ट जो है बड़े आराम से उसको कन्वर्ट कर देता है। सिंस दिस फॉर्मेट इज टेक्स्ट ओनली, जावास्क्रिप्ट जेसन डेटा इजिली कैन बी सेंड बिटवीन कंप्यूटर्स, क्योंकि ये हमारे पास टेक्स्ट ओनली है तो ये किसी भी कंप्यूटर में बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो सकता है, क्योंकि टेक्स्ट इज समथिंग दैट इज नाउ इजिली रीडेबल फ्रॉम एनी डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो, आईपैड्स हो, टैबलेट्स हो, लैपटॉप्स हो, कंप्यूटर्स हो, आप डेटा को बड़ी टेक्स्ट को तो कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये बेसिकली टेक्स्ट फॉर्म में जा रहा है, इसीलिए ये बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डेटा हो जाता है। जावास्क्रिप्ट के डेटा को रीड करने के लिए हमें बेसिकली जो है जेसन स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा जैसे 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 बनाते हैं तो स्ट्रिंग फॉर्म बन जाती है, उस स्ट्रिंग को अब मुझे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं उसको डॉट ऑब्जेक्ट लगा के रीड कर सकूँ। उसके लिए हम जेसन डॉट पार्स का एक मेथड यूज करते हैं, बिल्ट इन है, हमें बनाने की जरूरत नहीं, हजरत अंग्रेज ने हमें बना के रख दिया, भाई इसको उठा के अपने इस्तेमाल करना। तो ये आपकी जेसन को स्ट्रिंग को लेके उसको पार्स कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को आप प्रोसेस करने के बाद उसको अगर वापस आप जेसन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर जेसन स्ट्रिंगिफाई एक मेथड इस्तेमाल होता है, ये भी हजरत अंग्रेज ने बना के रख दिया, हमने इन दोनों का इस्तेमाल करना है। पार्स स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वाइस वर्सा, स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में जाने के लिए हम पार्स का मेथड यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट से वापस स्ट्रिंग में जाने के लिए हम बेसिकली स्ट्रिंगिफाई का यूज करते हैं। आगे इनके बारे में हम यहाँ पे दोनों के बारे में तफसील में थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो बाकी आ जाते हैं व्हेन स्टोरिंग डेटा, जब स्टोर डेटा किया जाता है तो डेटा हैज टू बी इन अ सर्टेन फॉर्मेट रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू चूज टू स्टोर इट। टेक्स्ट इज ऑलवेज वन ऑफ द लीगल फॉर्मेट्स, क्योंकि आप इसको मखसूस फॉर्मेट हम सेव करते हैं, मैं उसके सिंटैक्स पे भी बात करता हूँ, लेकिन रिमेंबर इसका वो फॉर्मेट आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है ताकि डेटा को आप प्रॉपरली सेव कर सके। मजे की बात यह कि क्योंकि ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट इज अ लीगल फॉर्मेट, टेक्स्ट वैसे आप कहीं भी किसी भी तरीके से सेव कर सकते हो, इसीलिए इसको जेसन की सूरत में जब सेव करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा मखसूस ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं आएगा, आप टेक्स्ट को किसी भी तरह से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाते हैं अभी इसके सिंटैक्स के ऊपर। ओप्स आगे हम जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के ऊपर, जेसन के सिंटैक्स के ऊपर। अब जेसन का सिंटैक्स इज अ सबसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली जेसन जो है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ही सबसेट है। वो ये कहता है कि जेसन सिंटैक्स के अंदर जो बेसिक नोटेशन है वो जावास्क्रिप्ट से ही ड्राइव की हुई है। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेटा इज अ नेम एंड वैल्यू पेयर्स, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो भी बेसिकली नेम एंड वैल्यू पेयर्स में आता है। तो एक नेम होगा, एक पेयर होगा, तो ये हमारे पास नेम आ गया, कॉलन उसकी वैल्यू, नेम कॉलन उसकी वैल्यू, नेम कॉलन उसकी वैल्यू, फिर जितना भी डेटा डालना चाहो। डेटा इज सेपरेटेड बाय कॉमास, फिर अगर मल्टीपल डेटा है, एक ये डेटा है उसके बाद दूसरा डेटा डालना है तो कॉमा लगाया, फिर सेम नेम कॉलन वैल्यू, फिर कॉमा नेम कॉलन वैल्यू, फिर कॉमा नेम कॉलन वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट्स होल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी फिर आप बनाओगे उसके बाद उसके ग्राइंड में कर्ली ब्रैकेट दे दिए तो ये पूरा एक जेसन का आपके पास ऑब्जेक्ट डेटा बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होल्ड एरे, अगर आप एरे बनाना चाह रहे हैं कि एरे के अंदर पूरा आप जेसन रख रहे हैं, रख सकते हैं, उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये भी आगे चल के हम इसमें डिस्कस करेंगे एरे सेक्शन के अंदर।
ठीक है जी। तो जेसन डेटा नेम एंड वैल्यू पेयर आया था, बेसिकली इसका मीन जेसन डेटा जो है वो नेम और वैल्यू पेयर में रखता है। अगेन मैंने कहा प्रीवियस बात हमने थोड़ा सा पहले भी बात की थी यार, जेसन का स्ट्रक्चर आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप कैसे यूज करो। क्यों? क्योंकि बेसिकली जेसन टेक्स्ट फॉर्म में सेव होता है और टेक्स्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, टेक्स्ट कुछ भी आप लिखोगे भी लीगल बनता है। तो हमें एक नॉर्मल टेक्स्ट और जेसन में फर्क करने के लिए उसका स्ट्रक्चर होना लाजमी है। एक नॉर्मल टेक्स्ट और जेसन में फर्क करने के लिए भाईजान हमें चाहिए होगा उसका की और वैल्यू का पैरामीटर, नेम और वैल्यू का पैरामीटर। ठीक है, तो वो क्या है कि आपने नेम दिया इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर, कॉलन दिया, फिर उसकी वैल्यू दी। ये उसका टिपिकल स्ट्रक्चर है, ये उसको पेयर हम कहते हैं, नेम एंड वैल्यू पेयर। ये जो नेम एंड वैल्यू पेयर बता रहा है, ये नेम एंड वैल्यू पेयर ये चीज़ है, आपको नेम और वैल्यू का पेयर देना होगा, ये जेसन बताएगा। ये ऑर्डिनरी टेक्स्ट और जेसन टेक्स्ट का फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस सूरत में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर जेसन को हम कैसे एवेल्यूएट करते हैं, बेसिकली हमने वही कहा जेसन फॉर्मेट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जेसन की मस्ट बी अ स्ट्रिंग रिटन विद डबल कोटेशन मार्क्स, जो इसकी की होगी ये भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, डबल कोटेशन के अंदर होनी चाहिए, कॉलन फिर उसकी वैल्यू डबल कोटेशन में आ गई और फिर कर्ली ब्रैकेट्स आ गया हमारे पास सिंपल। जावास्क्रिप्ट में जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते थे तो उसमें ये नेम आ जाता था विदाउट डबल कोटेशन मार्क्स, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट के सब ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव करता था, ये बेसिकली उसकी की के तौर पर रिप्रेजेंट करता था, ये उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये भी पेयर उसी तरीके से, फर्क सिर्फ इतना है कि ये नेम एज अ बेसिकली ऑब्जेक्ट की सूरत में आ जाता था हमारे पास, हम इसको डबल कोटेशन में नहीं लिखते थे, जेसन के अंदर ये डबल कोटेशन में आ जाएगा बस। तो जेसन वैल्यूज को वो ये कह रहा है कि जेसन वैल्यूज मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग, जेसन की जो वैल्यू है ये वाली, ये स्ट्रिंग नंबर ऑब्जेक्ट एरे बुलियन नल कोई भी हो सकती है, आपकी मर्जी होनी चाहिए, इनमें से कोई एक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ब्लैंक छोड़ दो, अगर ब्लैंक छोड़ने की नौबत आ रही है तो हम नल कर देंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वैल्यूज कैन बी ऑल ऑफ द अबव प्लस द वैलिड फंक्शन भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट में हम डेट भी डाल सकते हैं, उसको अनडिफाइंड भी कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट और जेसन का दूसरा फर्क ही आ जाता है, पहला तो हम इनवर्टेड कोटेशन में उसकी की नहीं रखते, दूसरा जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो उसकी वैल्यू में फंक्शन भी डाल सकता हूं, मैं डेट भी डाल सकता हूं, मैं अनडिफाइंड भी कर सकता हूं। ठीक है, जेसन स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी रिटन इन डबल कोटेशन मार्क्स, तो स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोटेशन में आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास वो पर्सन इस तरह से लिखा जाता है कि उसका की वैल्यू आ गया, की उसकी वैल्यू आ गई, की उसकी वैल्यू आ गई, की जो होगी हमारे पास जो बगैर इनवर्टेड कोटेशन के आ रही है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम पर्सन डॉट नेम लगाते हैं तो मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाती है, पर्सन डॉट एज लगाया तो उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये सारा पर्सन डॉट वैल्यू हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। However, JavaScript के अंदर हम आगे इसको पॉज करेंगे, हम कैसे यूज कर रहे होते हैं। JavaScript array as JSON, the same way JavaScript objects can be written as a JSON as well. तो इसी तरीके से JavaScript objects को आप arrays के अंदर भी लिख सकते हो, मैं arrays के ऊपर आगे हम बात करेंगे। JSON files usually हम .json करके भी सेव कर सकते हैं, या depending on MIME type application/json आ रहा होता है। तो अगर आप एप्लीकेशन डेटा, क्योंकि आप सर्वर को भेज रहे हो डायरेक्ट जेसन का बना ऑब्जेक्ट बना के, तो आप उसको माइंड टाइप देना समटाइम्स लाजमी हो जाती है कि पता चले कि यार किस टाइप का डेटा आ रहा है, तो हम एप्लीकेशन स्लैश जेसन यूज करते हैं। जैसे जब हम टेक्स्ट उसका हम लिख रहे होते हैं CSS, तो हम टेक्स्ट स्लैश स्टाइल शीट लिख रहे होते हैं या टेक्स्ट स्लैश CSS लिख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन स्लैश जावास्क्रिप्ट जेसन लिखेंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जेसन XML का। नाउ अब टिपिकली XML से कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर आपने XML पढ़ी भी है तो XML इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जेसन भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। दोनों में बेसिक फर्क ये है कि जेसन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, की और वैल्यू के साथ पैरामीटर्स के मैप होते हैं, की और उसकी वैल्यू के साथ उसके पैरामीटर मैप होते हैं। XML के अंदर हम उसका पूरा एक टैग बेस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर फिर हम उसकी एम्प्लॉई का फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम हम रख रहे होते हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉई दूसरा एम्प्लॉई उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखा, फिर तीसरा एम्प्लॉई उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखा। तो ये जेसन XML की नोटेशन ये हमारे पास जेसन की हो गई, लेकिन हम XML की तफसील में नहीं जा रहा, तो मैं इसको आगे स्किप कर रहा हूँ कि भाई हमें फिलहाल इस चीज़ का ऊपर जरूरत नहीं है। जेसन के डेटा टाइप्स पर आ जाते हैं, मेजर क्या जेसन की डेटा टाइप्स कौन से हैं। तो जेसन की मैंने पहले भी जिक्र किया, जेसन के अंदर आप स्ट्रिंग नंबर ऑब्जेक्ट्स एरेज बुलियन या नल कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं, लेकिन जेसन के अंदर फंक्शन डेट और अनडिफाइंड ये तीन चीज़ें नहीं आ सकती। जेसन स्ट्रिंग जो है बेसिकली वो नेम, अगेन ये की हो गई हमारे पास, नेम हो गया, उसकी वैल्यू आ गई, वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगी। नंबर अगेन नेम, उसकी वैल्यू आ गई नंबर फॉर्म में। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट को हम एज एन एरे की सूरत में रख रहे होते हैं, तो एम्प्लॉई कॉलन फिर उसके आगे जितनी उसकी वैल्यू होगी वो इटसेल्फ एक जेसन का ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये मेरे पास जेसन का ऑब्जेक्ट आ गया एम्प्लॉई का, उस एम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो ब्रैकेट में ये सारा आ गया। रिमेंबर इससे पहले देखो ये चीज़ हो रही थी, ये आ गया नेम, ये उसकी कॉलन और कॉलन के बाद वैल्यू। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा वैल्यूज होती है, तो ये आ गया नेम,
कॉलन और एक से ज्यादा वैल्यूज को फिर हमने उसकी वैल्यूज के कुछ भी दे सकते हैं, हमने यहाँ पे एक और जेसन डाल दिया तो उसकी वैल्यू में जेसन के अंदर एक और जेसन आ गया, तो ये हमारे पास नेस्टेड जेसन का एक एग्जाम्पल भी बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एरेज आ गया। अब एरेज के लिए हम जेसन के अंदर जेसन एलिमेंट के अंदर एरे भी डाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? वो आ गया कि ये आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, जेसन स्टार्ट हो गया, ये जेसन की पहली नेम आ गया। ठीक है, हमने कहा ठीक, कॉलन इसकी वैल्यू आनी चाहिए, हम वैल्यू देते हैं, उस वैल्यू में मैंने पूरा एरे उठा के डाल दिया। तो अब एम्प्लॉई जॉन भी हो गया, एम्प्लॉयज एना भी हो गया, एम्प्लॉयज पीटर भी हो गया। इसको पार्स करने का तरीका आप आगे बताएंगे कैसे रीज करते हैं, लेकिन अब एम्प्लॉयज जीरो इंडेक्स पे हमारे पास जॉन मिलेगा, एम्प्लॉयज वन इंडेक्स पे हमें फॉर एग्जाम्पल एना मिलेगी, एम्प्लॉयज वन टू इंडेक्स पे हमारे पास पीटर मिलेगा। ठीक है, आप इसमें बुलियन भी डाल सकते हैं, इसी तरह से अगेन वही वैल्यू कॉलन ट्रू आ गया, बुलियन वैल्यू कॉलन नॉल भी आ गया, तो आप डेटा टाइप्स को किसी भी तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली थोड़ा सा बात समझ में आ गई कि यार ओके, जेसन के अंदर हम कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डेटा टाइप हम उसकी वैल्यू को उसी दर्ज पे लिखा जाता है। अब आ जाते हैं असल में, यार जेसन को पार्स कैसे करते हैं? मैंने एक जेसन तो बना दिया, अब उसको हम रीड कैसे करेंगे? ठीक है, पार्स का मतलब ये कि जेसन को रीड करना, कि हाउ डू वी रीड ईच एलिमेंट्स ऑफ जेसन। तो वो यहाँ पे भाई W3 स्कूल बता रहा है मुझे कि यार जेसन को रीड करने के लिए आप जेसन डॉट पार्स का एक मेथड यूज करोगे। जेसन में से डेटा को रीड करने के लिए जेसन डॉट पार्स का एक मेथड है, हजरत अंग्रेज ने बना के रख दिया, हमें भाई उसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? हमने उसको कहा कि कॉमन यूज ऑफ जेसन इज एक्सचेंजिंग डेटा टू एंड फ्रॉम अ वेब सर्वर। सबसे कॉमन यूज जेसन का आता है कि वो वेब सर्वर को डेटा भेजना और वहां से डेटा रिसीव करना, क्योंकि बहुत सारा डेटा आ रहा होता है, तो बजाय कि मैं अलग अलग ड्राइवर्स करूं, मैं पूरा जेसन बना के भेज दिया सर्वर पे, हमने रिसीव किया, प्रोसेस किया, पूरा क्यूरी से हमने डेटा निकाला, टेबल से जितना भी डेटा आया उसको जेसन फॉर्म में रखा और उठा के वापस एक ही स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, तो बिकम्स मच मोर इजी टू मैनेज एंड हैंडल एट अ सर्टेन टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है, जेसन का मैक्सिमम कमांड ये है, तो व्हेन रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ वेब सर्वर द डेटा इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। तो ख्याल ये रखना पड़ेगा और इस चीज को याद रखना पड़ेगा, इस चीज के ऊपर हम आगे भी बात करेंगे, कि जब भी डेटा आप वेब सर्वर से रिसीव करते हो वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। अच्छा, जब भी डेटा हम वेब सर्वर से रिसीव करते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा होता है, तो पार्स द डेटा विद जेसन डॉट पार्स मेथड। तो जब भी डेटा आप रिसीव करोगे सर्वर से वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, उसको फिर आपने ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए वापस इस जेसन डॉट पार्स मेथड यूज करेंगे। कैसे आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने इमेजिन वी रिसीव द टेक्स्ट फ्रॉम द वेब सर्वर, हमने सर्वर से रिसीव किया, ये जेसन का ऑब्जेक्ट आ गया, नेम जॉन, एज 30, सिटी ये, ये हमारे पास जेसन आ गया, सिंगल कोटेशन बता रही है कि ये स्ट्रिंग आ गया, तो ये सिंगल स्ट्रिंग में पूरा हमारे पास एक जेसन रिटर्न हो गया। हमने कहा ठीक, अब इसको मुझे रीड कराना है, तो सिंपल 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 हम क्या करेंगे, यूज द जावास्क्रिप्ट फंक्शन पार्स डॉट जेसन डॉट पार्स। ठीक, तो हमने एक कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी वेरिएबल नेम दे दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, इज इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स, मेथड स्टार्ट किया या मेथड क्लोज किया, इसके अंदर वो पूरी स्ट्रिंग पास कर दी। अब ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रिंग रिसीव हो रही है तो किसी वेरिएबल को असाइन करके वो वेरिएबल यहाँ पास करा दो, तब भी बात एक ही है। ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल जब होगा तो स्ट्रिंग का होगा, उसमें भी वो वेरिएबल आ जाएगा, या एज इट इज पूरी स्ट्रिंग लिख दिया, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये पूरा जेसन का उठा के वेरिएबल इस फंक्शन को पास करा दिया, ये फंक्शन इसको पार्स करेगा और उसके एलिमेंट्स पूरे एक ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्म में आपकी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को साइन कर देगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करूंगा, मैं यूज को जिस तरह से करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल PID डेमो हमने बनाया, ठीक है, पैराग्राफ टैग बनाया, उसकी आईडी हमने डेमो दे दिया, पैराग्राफ बंद किया, हमने जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट नोटेशन स्टार्ट की, स्क्रिप्ट नोटेशन स्टार्ट करने के बाद हमने उसमें लिखा कि भैया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, डॉक्यूमेंट में जाओ, उस डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, एक एलिमेंट होगा जिसकी आईडी होगी डेमो करके, ये डेमो हमारे पास यहाँ पे ये रहा, इस डेमो को रिसीव करो, इस डेमो की जो इनर HTML होगी उसको तुम तब्दील कर दो। तो डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट करो जिसका नाम होगा डेमो, डेमो की इनर HTML को तुमने तब्दील करना है ऑब्जेक्ट डॉट नेम के साथ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट हुआ, डॉट नेम कहाँ से आया, ये वाला नेम हुआ, तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम में जो भी वैल्यू होगी वो रीड करके यहाँ पे रख दो। लेट्स ट्राई दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो जनाब ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया। अब इसमें भी क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML बॉडी सिंपल H2 का हमने हेडिंग बनाई, पैराग्राफ आईडी डेमो बनाई, पैराग्राफ के अंदर कुछ भी हमने कंटेंट फिलहाल नहीं रखा हुआ। फिर हमने कहा कि हमने इसको स्क्रिप्ट का टैग दिया, स्क्रिप्ट के अंदर हमने उसको कहा कि यार कॉन्स्टेंट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एक सिंपल सा टेक्स्ट बना दिया, क्योंकि अभी तो सर्वर नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो हमने सिंपल सा एक टेक्स्ट उसको रख के दे दिया। फिर हमने उसको कहा कि यार अब ये जो टेक्स्ट है .txt उसको तुम पार्स करो जेसन के अंदर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल का, तो हो सकता है कि स्ट्रिंग आपके पास PHP के थ्रू सर्वर के थ्रू रिसीव हो रही हो, तो पोस्ट मेथड से आपने रिसीव करके किसी वेरिएबल असाइन की, फिर जेसन डॉट पार्स में आपने उसको रीड करा के ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। फिर आपने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट करो वो एलिमेंट जिसका नाम डेमो हो, जब वो डेमो रिसीव करोगे तो उसकी इनर HTML को आप तब्दील कर दो। तो डॉक्यूमेंट में गए, उसमें
पैराग्राफ टैग रीड किया जिसका नाम डेमो था, उसके इनर एचटीएमएल को हमने तब्दील कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट नेम के साथ। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम क्या था, हमारे पास ऑब्जेक्ट ये रहा, डॉट नेम ये रहा, तो जो नाम होगा जॉन वो रिटर्न होकर यहाँ प्रिंट हो गया, प्लस कॉमा कॉमा दी प्लस ऑब्जेक्ट डॉट एज, तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट एज लगा के हमने रिसीव कर दिया। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नोटेशन में हो गई। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट उसके एलिमेंट का नाम, डॉट ऑपरेटर कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के मेथड्स को रीड करने के लिए या उसके डेटा को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ हमने इस्तेमाल की कि यार एक ऑब्जेक्ट है भाई, उस ऑब्जेक्ट में जाओ, डॉट कनेक्ट करो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और डेटा पड़ा होगा जिसका नाम होगा नेम, उस नेम में जो वैल्यू है ना वो रिटर्न करो। तो ऑब्जेक्ट में जाओ, कनेक्ट करो, उसमें एक नेम का डेटा पड़ा है, उस डेटा को रीड करके ले आओ, उस डेटा की जो भी वैल्यू होगी वो भाई तुमने प्रिंट करा दी। ये सिंपल हमारे पास इसकी नोटेशन का कॉमन डेटा है। ठीक है, इसी तरह से आप जेसन को एरेज की सूरत में भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट, कांस्टेंट बना दिया ताकि तब्दील ना सके, टेक्स्ट कर दिया इज इक्वल्स टू, हमने ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, इस ब्रैकेट को भी उठा के हमने पार्स करा देंगे, तो अब ये एरे को पार्स करा के भी आपके कॉन्स्टेंट वेरिएबल के अंदर रख देगा ताकि माय एरे डॉट आप इसको वेरिएबल्स को रीड कर सको। ओके, एक्सेप्शन पासिंग, अब ये फिर बाकी के और आगे की चीज़ें हैं, पार्स फंक्शंस हैं, फंक्शंस भी आप पार्स कर सकते हो। फिलहाल इस चीज़ को हम आगे कंफ्यूज नहीं कर रहे, वापस आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्ट्रिंगिफाई के अंदर। स्ट्रिंगिफाई में आने के बाद नाउ दिस बेसिकली मींस के जब आपके पास डेटा रिसीव हो गया ऑब्जेक्ट नोटेशन में, अब उसको वापस आपने जेसन में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग नोटेशन में, तो ऑब्जेक्ट से वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है नोटेशन में, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंगिफाई मेथड। A common use of JSON is to exchange data to and from web server. When sending data to a web server, data is to be string. Convert JavaScript object into string. तो सर्वर से जब डेटा मेरे पास आ रहा है तो स्ट्रिंग की सूरत में आ रहा होगा, मैंने उसको रिसीव किया, उस स्ट्रिंग को पास कर दिया ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रोसेस कर दिया। ठीक, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट में आ गया, अब जब मुझे डेटा वापस भेजना है सर्वर के पास तो मुझे उसको वापस स्ट्रिंग में तब्दील करना होगा, क्योंकि अभी मैं डेटा ऑब्जेक्ट में आ गया तो ऑब्जेक्ट से वापस स्ट्रिंग में बना के फिर मैं भेजूंगा, उसके लिए फिर मेरे पास ये स्ट्रिंगिफाई मेथड आ गया। तो फॉर एग्जांपल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नेम कॉलन जॉन आ गया, ऑब्जेक्ट 30 आ गया और हमारे पास 80 आ गया। ये मेरे पास टिपिकल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक है, जेसन नहीं है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को वापस मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग फॉर्म में जो कि जेसन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए मेथड यूज करेंगे स्ट्रिंगिफाई। ठीक, कांस्टेंट माय जेसन इज इक्वल्स टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये वाला ऑब्जेक्ट का पैरामीटर पास कर दिया। ठीक, ये भी हजरत अंग्रेज ने बना के रखा है। व्हाट दिस विल डू, इट विल कन्वर्ट योर ऑब्जेक्ट इनटू अ स्ट्रिंग नोटेशन। ठीक है, तो अब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्ट्रिंग नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ माय जेसन इज अ स्ट्रिंग रेडी टू बी सेंड टू द सर्वर। ठीक है, तो इसको आप एग्जांपल भी इसका आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज वापस यहाँ पर आके। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया, हमारे पास वही सेम पी डेमो, पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई किया हमने, स्ट्रिंगिफाई करने के बाद उस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पे। तो ये यू कैन सी दिस कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। तो जब आप जेसन को प्रिंट भी करा सकते हो पूरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एज इट इज जैसे जेसन लिखा हुआ है वो पूरे का पूरा, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को तो प्रिंट करा सकते हो। तो आप उस स्ट्रिंग को प्रिंट कराओगे तो आपके पास पूरी स्ट्रिंग नोटेशन आ जाएगी। ये चीज की ऐसा एडवांटेज आती है कि बड़ा आसान से डीबग करना इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर। तो जेसन जब ऑब्जेक्ट नोटेशन में आ जाएंगे हमारे पास, तो नाउ वी हैव जेसन इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग नेम, उसके जॉन वेरिएबल दिस इज सिंपल जेसन, इनसाइड द जेसन स्ट्रिंग देयर इज अ जेसन ऑब्जेक्ट कॉल्ड नेम लिटरल एज 30 का लिटरल हमारे पास आ गया। जेसन ऑब्जेक्ट लिटरल्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स, तो जेसन के जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं वो बेसिकली कर्ली ब्रैकेट से सराउंड होते हैं। ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट लिटरली कंटेन्स की एंड वैल्यू पेयर्स, तो ये सारी बेसिकली वही चीज है यार कि आप इसको क्या कर रहे हो। तो हम अभी वही कहा यार, ये जो हमने चीज बनाई है जेसन का ऑब्जेक्ट लिटरल कहलाएगा, ये भी लिटरल कहलाएगा, ये भी लिटरल कहलाएगा, इसी वजह से हम उसके नाम से उसकी वैल्यू पहचान रहे हैं, नाम से वैल्यू पहचान रहे हैं, नाम से वैल्यू पहचान रहे हैं। ठीक है, तो ये जेसन लिटरल कह रहा है, इसके ऑब्जेक्ट की और वैल्यू पेयर के साथ है, इसको हम कॉलन सेपरेटेड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, माय ऑब्जेक्ट नेम ये हमारे पास एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, और उसको फिर आप रीड करा के प्रोसेस कर सकते हो। सो इफ यू कम हेयर जॉन, तो उसके रीडिंग का भी ऑप्शन वही रहेगा, माई ऑब्जेक्ट में डॉट नेम लगा के इसको रीड करूंगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो यही वही चीज बेसिकली हम जेसन को रीड कर रहे हैं। तो बेसिक फंडा यही है कि भाई ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको रीड करना है जेसन में, और कुछ भी नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट नोटेशन में। यहाँ भी वही चीज हुई, माय जेसन कांस्टेंट एक हमने वेरिएबल बनाया, उसमें जेसन को हमने डिक्लेयर किया, उसको पार्स करा दिया, तो ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट होने के बाद हमने उसको ऑब्जेक्ट के ऑर्डर के रीड करा दिया। इफ दिस इज ऑल दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड ऑफ जेसन, यू कैन ऑल्सो ऑब्जेक्ट द वैल्यूज विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आप यहाँ पे जो है उसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी रीड कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने क्या किया, डायरेक्ट उसको नेम दिया,
और जो कॉमनली जावास्क्रिप्ट के अंदर किया जाता है। लेकिन अगर आप पीएचपी की तरह से पढ़ रहे हैं तो बेसिकली पीएचपी की तरह जब आप पढ़ोगे तो कुछ इस तरीके से नोटेशन आती है। उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास वही चीज़ आ गई, मेरे पास जेसन स्ट्रिंग आ गई, ठीक। उस स्ट्रिंग को मैंने पार्स करा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, हमने कहा ठीक। फिर हम माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम करूंगा तो वो उसका नेम से रिफर करेगा, माई ऑब्जेक्ट डॉट एज करूंगा तो एज से रिफर करेगा, माई ऑब्जेक्ट डॉट कार करूंगा तो कार की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल एज दैट। लेकिन आप अगर चाहो तो पीएचपी नोटेशन की फॉर्म के अंदर अगर पीएचपी का एक एग्जांपल आता है कि माई ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोटेशन और नेम देके भी आप कर सकते हैं, ये भी अलाउड है, बहुत कम उमन किया जाता है ये। नॉर्मली हम पीएचपी के अंदर इस तरीके से वेरिएबल्स को रीड करते हैं तो समटाइम्स इट बिकम्स दैट, तो मे भी हो सकता है आपको कहीं पैसा नजर आ जाए, लेकिन मोस्टली मैंने इसको इसी तरीके से यूज किया, डिपेंड्स ऑन दैट हाउ यू वांट टू डू दैट। उसके बाद आ जाते हैं जेसन एरेज के अंदर। नाउ जेसन एरेज बेसिकली मीन कि आप एक जेसन का एरे बना दें, तो एरे विद इन अ जेसन आ जाएगा या जेसन विद इन एरे, जिस तरह से आप उसको कहना चाहें। तो टिपिकली जेसन स्ट्रिंग जो है हमारे पास इस तरह से आ जाती है, ठीक है। इन साइड द जेसन स्ट्रिंग देयर इज अ जेसन एरे लिटरल्स, तो ये जेसन स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक एरे एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट आ गया। एरे इज एरे इन जेसन आर ऑलमोस्ट द सेम एज एरेज इन जावास्क्रिप्ट, एरेज इन जेसन बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे एरेज इन जावास्क्रिप्ट है। अगर जावास्क्रिप्ट के एरेज का नहीं पढ़ा हुआ तो अगेन डिस्क्रिप्शन में जावास्क्रिप्ट का पूरा ट्यूटोरियल रखा हुआ है, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जेसन एरे वैल्यूज मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, बुलियन वगैरह वगैरह, तो जैसे जो एरेज का प्रिंसिपल है बेसिकली वही चाह रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल टिपिकल जावास्क्रिप्ट एरे जो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, एरे फॉर्ड BMW 0 स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स जब हम लिखते हैं तो बेसिकली एरे बन जाता है। एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स में हमारे पास ये कंपोनेंट आ जाता है। जब आप इसको यू कैन क्रिएट द जावास्क्रिप्ट एरे बाय पार्सिंग जेसन स्ट्रिंग, तो अब आप इसको जो है माई जेसन फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिख दिया और एरे स्ट्रिंग पार्स जेसन कर दिया, तो ये आपका जो स्ट्रिंग होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके एरे के अंदर, ठीक है। अगेन पार्स जो मेथड है वो आप एरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट, टिपिकली हम एरे उसकी जीरो इंडेक्स देते हैं तो हमारे पास एरे एक्सेस हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे कह रही है। लेकिन एरेज एंड ऑब्जेक्ट जब आप रिफर कर रहे हो तो फिर आप कुछ इस तरीके से रिफर कर रहे होते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि अगर एरेज ऑफ हमारे पास जेसन है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके एलिमेंट में स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, फिर नेम जॉन, एज 30, कार, और ये कार के हमने एलिमेंट्स एरे दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए करना पड़ेगा माई ऑब्जेक्ट डॉट कार्स, फिर उसकी ब्रैकेट में इंडेक्स आ गई जो पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल अगेन। तो अभी हमने क्या किया, वही पी का एक वेरिएबल बना दिया, आईडी डेमो दे दी, स्क्रिप्ट टैग बनाया जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर हमने एक जेसन क्रिएट किया, ठीक है। ये रहा हमारे पास पूरा जेसन एरे। इसमें क्या हो रहा है, जेसन की की उसकी वैल्यू आ गई, उसका की उसकी वैल्यू आ गई, उसकी की इससे पहले कार हम नल यूज कर रहे थे, अब इस कार की वैल्यू पे हमने एक्चुअली एरे डाल दिया। तो दिस इज व्हाट वी बेसिकली मीन, अब उस कार की वैल्यू के अंदर एक वैल्यू नहीं बल्कि एक से ज्यादा वैल्यूज आ गए, तो हमने एक एरे को जेसन के अंदर डाल दिया, हमने एक एरे को जेसन के अंदर डाल दिया। अब मुझे इस एरे को रीड कराना है, तो मैं करूंगा वही, इस पूरे जेसन को उठाया, पार्स करा दिया, पार्स करा दिया तो ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया इंक्लूडिंग द एरे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, वो एलिमेंट जिसकी आईडी नेम होगा डेमो, डेमो को रीड करो, उसका इनर एचटीएमएल भाईजान आपने करना है तब्दील। जब आप उसको तब्दील करने जाओगे तो उसकी वैल्यू आपने क्या इक्वल करनी है, माय ऑब्जेक्ट, मेरे ऑब्जेक्ट डॉट, उसके अंदर जाओगे तो एक आपको नाम मिलेगा कार्स का, उसके अंदर एक नाम मिलेगा आपको कार्स का, तो माय ऑब्जेक्ट डॉट कार्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट जीरो इंडेक्स जीरो को प्रिंट कराओ, तो जीरो इंडेक्स पे फॉर्ड होगी या फॉर्ड प्रिंट होगी, अगर मैं वन करूंगा तो वन पे बीएम आ जाएगा, टू करेंगे तो हम फियाट आ जाएंगे, गॉट इट। तो हम एरे को भी जेसन के अंदर रखा और उसको हमने रीड करा दिया इस तरीके से। आगे बढ़ते हुए जेसन सर्वर हमारे पास आ जाता है कि आप सर्वर के ऊपर जो बेसिकली डेटा सेंड करते हो तो उसके लिए हमें उसको स्ट्रिंगफाई करके वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, अगेन मैंने जैसे शुरू में कहा कि सर्वर से डेटा जब आपके पास आता है तो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, आपने उसको प्रोसेस करना है वापस ऑब्जेक्ट में, और रीड करने के बाद जब वापस डेटा सर्वर पे भेजने की बारी है तो फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो सेंडिंग डेटा जो आपके पास आएगा वो अगेन आपने स्ट्रिंग को, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बेसिकली वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल माय ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, उसको हम स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट नोटेशन में रिमेंबर नेम जो विदाउट कोटेशन है, विदाउट डबल कोटेशन, विदाउट डबल कोटेशन, जो विदाउट डबल कोटेशन करके हम उसको सेव करा दिया तो ये माय जेसन बन गया। अब विंडो डॉट लोकेशन डेमो जेसन डॉट पी एच पी सर्वर की फाइल पे भेज दिया, एक्स एक वेरिएबल का नाम दे दिया इज इक्वल्स टू वैल्यू, में इसकी वैल्यू डाल दी, तो ये पूरा जेसन एज ए स्ट्रिंग की फॉर्म में इस एक्स वेरिएबल को असाइन होकर सर्वर के पास चला जाएगा। इस तरीके से आप पूरे जेसन में, आपको कुछ भी हो सकता है जेसन के अंदर, पूरा जेसन उठाया,
URL के साथ अटैच किया और बहुत सारे तरीके और आप इसको इस तरह भेज दिया, तो अभी आपके पास इस पर्टिकुलर मेथड गेट मेथड के थ्रू समझे टेक्निकली URL पे विजिबल होता हुआ ये डेटा आपके पास चला जाएगा इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। रिसीव करते वक्त रिसीविंग के मेथड हम पहले भी अभी कर चुके हैं, ये आपके पास जेसन का एक स्ट्रिंग आ रही होगी क्योंकि वहां से सर्वर से स्ट्रिंग सूरत में वापस डेटा आएगा, उसको आपने रिसीव करना है माय जेसन के अंदर, जेसन डॉट पार्स, माय जेसन को आप पार्स करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, फिर आप ऑब्जेक्ट डॉट नेम लगा के उसकी किसी भी पैरामीटर को रीड कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि डेटा क्या आ रहा है तो इस जेसन को सिंपली आप प्रिंट करा दोगे तो आपके पास पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी एंड देन यू कैन सी क्या ओके मुझे किस चीज़ को कैसे यूज करना है। ये हमारे पास एक सिंपल सा सेंडिंग और रिसीविंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कैसे किया जाता है। आ जाते हैं जेसन पीएचपी के ऊपर, ठीक है कि हाउ डू वी यूज जेसन फॉर अ पीएचपी फाइनली। तो अब हम क्या करेंगे, अ कॉमन यूज ऑफ जेसन इज टू रीड द डेटा फ्रॉम अ वेब सर्वर एंड डिस्प्ले द डेटा ऑन अ वेब पेज, ठीक है कॉमन एग्जांपल ये। और अगर आप पीएचपी एज अ वेब सर्वर यूज कर रहे हैं तो फिर हम वहां पे जेसन इनकोड का एक मेथड यूज करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल पीएचपी ऑब्जेक्ट नेम, नेम इज इक्वल टू जॉन, एज 30, सिटी हमारे पास न्यूयॉर्क, तो तीन जेसन पीएचपी के मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसको जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, माय जेसन वेरिएबल दिया, जेसन अंडरस्कोर इनकोड, ये ऑब्जेक्ट 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 के नोटेशन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट हमने पीएचपी का बनाया था ये पीएचपी का ऑब्जेक्ट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा जेसन के अंदर, और इको माय जेसन आप करा दोगे तब ये स्ट्रिंग नोटेशन हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है वेरी सिंपल एज दैट। बहरहाल इसमें बहुत सारी फिर और चीजें हैं, क्लाइंट जावास्क्रिप्ट आया था, हियर इज अ जावास्क्रिप्ट ऑन द क्लाइंट साइड, कि क्लाइंट के ऊपर फिर हम किस तरीके से उसको रीड करके प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो भी फिर आपके पास एक फंक्शन कॉल हो रहा है XHTML का, उस फंक्शन के अंदर फिर हम रन टाइम पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। फिलहाल ये चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, बट होपफुली दिस बिकम्स लिटिल बिट इजी टू फॉलो क्योंकि बेसिक में तो हमारे पास बेसिकली क्या क्या हम कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक जेसन्स के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बेसिक वही क्या हमारे पास की और वैल्यू का है, फिर उसको पार्स करके रीड करने का मैकेनिज्म है, और जेसन में कोई राम कहानी नहीं है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे कैसे डेटा जा रहा है। थोड़ा सा एडवांस लेवल कॉम्प्लेक्सिटी में आप जा सकते हैं, बट आई एम जस्ट स्किपिंग दिस क्योंकि ये प्रॉब्लम कंफ्यूज कर देगा। फिलहाल यहाँ तक कवर हो गया, उसके बाद वंस यू कम बैक इनटू दिस और W3 स्कूल्स पे आ जाएं या एक दफा पढ़ लेंगे आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अगेन स्टिल हैविंग एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या चीज समझ में आई क्या नहीं आई, एंड आई विल ट्राई टू री एक्सप्लेन दिस इन लिटिल बिट मोर डिटेल। होपफुली दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर पूरा लेक्चर आपने देखा है थैंक यू वेरी मच, लीव योर कमेंट्स, मुझे जरूर बताओ कि आपने लेक्चर सुना और आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या चीज़ अच्छी लगी, और आगे के लेक्चर्स में आप क्या मुझसे सुनना चाह रहे, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रही, ताकि मेक दैट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सी यू अराउंड, फी अमान अल्लाह।